अननेचुरल इज हैपनिंग, रियल नहीं है. वो लोग बहुत रिसर्च करके आए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा. मेरे कुछ आइडिया नहीं था, हम जो स्पॉन्टेनियस जो हो रहा था वो ही करते थे यार. तो इसलिए वो पैटर्न से बन गया है, कोई कुछ नया ट्राई नहीं करता. दे डोंट शो देमसेल्फ, सब मास्क लगाए हुए ऐसा लगता है. तो शो के कंटेस्टेंट से ज्यादा मेन फोकस वो सलमान खान के ऊपर है. Yes. शो का पैटर्न कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है. तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे है? All right, great. मैं एकदम ठीक हूँ यार, फर्स्ट क्लास. So, कैसा गुजरा है आपका लॉकडाउन का समय? काफी लंबा हो गया, घर के मतलब घर के अंदर रहना पड़ा, लंबा समय था एक लॉकडाउन. लॉकडाउन की तरह ही गुजरा यार, घर में रह के. Okay. जैसे मैक्सिमम लोगों ने गुजारा है. ओके सर, तो आप बिग बॉस फॉलो करते ही होंगे 14, तो कैसा लग रहा है आपको देखने में बिग बॉस 14? एक्चुअली इतना फॉलो नहीं करता मैं, लेकिन अपडेट मिलती रहती है सोशल मीडिया से या न्यूज से. लेकिन जितना भी फॉलो मैं करता हूँ उसमें ये लगता है कि जो बिग बॉस का एक पैटर्न बन गया है ना, लोग उसी को फॉलो करते हैं. वो कुछ नया नहीं है उसमें, लोग सिर्फ उसी चीज को प्रटेंड कर रहे हैं, मान रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करने ही बहुत जरूरी है या गाली गलौज देना ही बहुत जरूरी है. समथिंग अननेचुरल इज हैपनिंग. सर, आपके सीजन के समय लोग एंटरटेन करके लोगों को खुश कर देते थे, लेकिन आज का मतलब ऐसा सीजन आ गया जहां पे सिर्फ लड़ाई झगड़े वही देखने मिल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? मैं बताऊं ऑनेस्टली, जो जो मुझे फील हुआ इसमें कि हमारे सीजन में सब कोई नए थे, वो पैटर्न भी नया था. yes, हमारे लिए डरने की चीज वहां सिर्फ एक बिग बॉस की आवाज थी और yes, कुछ नहीं, और हम सब लोग एंजॉय करते थे. अभी कुछ दिन पहले मैं ये आशुतोष के साथ मिला एक पार्टी में, तो हम लोग यही बात कर रहे थे यार, हम कितना मजा करते थे वहां पे. पर यहाँ लोग लड़ रहे हैं और जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं लड़ाई के, बस लड़ पड़े किसी दूसरे से. शायद रियल नहीं है. वो लोग बहुत रिसर्च करके आए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा. हमें कुछ आइडिया नहीं था, हम जो स्पॉन्टेनियस जो हो रहा था वो ही करते थे यार. तो इसलिए वो पैटर्न से बन गया है, कोई कुछ नया ट्राई नहीं करता. दे डोंट शो देमसेल्फ, सब मास्क लगाए हुए ऐसा लगता है. यस सर, सो कहीं ना कहीं बिग बॉस पहले एंटरटेनिंग शो हुआ करता था, आजकल इसे कंट्रोवर्शियल शो बोलते हैं कि हर पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो गया. वही कि हर पर्सनल लाइफ की डिटेल आपको बिग बॉस में देखने मिल जाएगी, आपका क्या मानना है इस बारे में? ये तो है यार, हमारे सीजन में और अभी में एक तो डिफरेंस ये है कि जो हमारे सीजन में होस्ट थी शिल्पा शेट्टी, आजकल होस्ट है सलमान खान. तो शो के कंटेस्टेंट से ज्यादा मेन फोकस वो सलमान खान के ऊपर है. शो का पैटर्न कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये मुझे लगता है. तो आप मतलब इट्स मोर लाइक अ होस्ट शो नाउ. यस सर. फिर भी देखा जाए ये सीजन में आपका मतलब आपको ऐसा कोई तो कंटेस्टेंट अच्छा लगा होगा कि अच्छा खेल रहा है ये? रुबीना ठीक खेल रही है. रुबीना ओके. निकी तांबोली के बारे में क्या कहेंगे? वो जो लोगों को बहुत चुलबुली लग रही है, सेकंड शहनाज भी क्या कहा जा रहा है उसे? ठीक है यार, she is also playing good. अच्छा कर रही है, घर को समझ रही है अच्छे से. ओके, सो अभी रिसेंटली एक फाइट हुआ था एजाज जी के बीच में और कविता जी, दोनों इंडस्ट्री में काफी पुराने एक्टर है, तो ऑन नेशनल टेलीविजन में दोनों ने पर्सनल लाइफ काफी उछाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या वो सही था? यार देखो, कविता कौशिक एक बार एलिमिनेट होने के बाद वापस अंदर आई है ना, और एजाज खान जो है वो शुरू से है अपना लगा हुआ है. तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा दिन रहने के बाद तुम शायद एक उसी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाओ, तुम्हें ये पता भी ना चले बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. लेकिन कोई बाहर से आने के बाद फिर ऐसा बिहेव करता है, तो आई फील वो पर्सनल लेवल पे जाके करने की कोशिश है. Yes. It's nothing more than, उनके कुछ पर्सनल क्लैश होगा, उसी की वजह से हो रहा है. एंड अभी
मतलब काफी सीजन में हम लोग को लव एंगल्स भी देखने मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही लव एंगल देखने मिल रहा है, जहाँ पे प्यार भी है, झगड़े भी हो रहे हैं, खाने के लिए सुनाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ यार देखो, टोटल एंटरटेनमेंट जो है बिग बॉस में जो अंदर इनमेट्स का है वो तो यही है ना कि उनका डेली रूटीन। अब उस डेली रूटीन में क्या किसी का दूसरे का किसी भी चीज पे क्लैश हो सकता है यार। अंडे दूध के ऊपर हमारे सीजन में भी लड़ाई होती थी, पर पता नहीं शायद ऐसा नेचुरल, अंदर वालों को तो नेचुरली लगता है, बाहर आके ऐसा लगने लगता है कि यार इतनी सी बेवकूफी क्यों कर रहे थे यार। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम यार, दे प्ले विद योर साइक। यस आई वाज सेइंग कि यस आई कैन हियर यू। कहाँ जा रहा है लास्ट सीजन को देख के और इस सीजन को देख के, कि बिग बॉस काफी फेवरेटिज्म कर रहा है, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को मतलब बिना कुछ किए लास्ट तक पहुंचा दे रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? आपने देखा होगा तो आपको लगा ऐसा कुछ हुआ? यार फेवरेटिज्म तो है ही, डेफिनेटली डेफिनेटली फेवरेटिज्म है यार, डेफिनेटली फेवरेटिज्म है। जो ऑर्गेनाइजर का जो फेवरेट है, जो जो भी प्रोडक्शन कंपनी से चला रही है, जो उनके फेवरेट्स हैं, तो उनको सपोर्ट तो करेंगे डेफिनेटली। दिस इज हाउ इट हैपेंस, इट वर्क्स, यस सर, यस। ऐसे ही है उसमें। तो काफी बायस हो फेवरेटिज्म है ही है। भाई कुछ कंटेस्टेंट को, जैसे अभी देखा जाए जान कुमार सानू, हाँ, दया बायस, दया बायस। अभी देखा जाए जान कुमार सानू का हाँ ही, तो उसके मतलब बिना कुछ किए उसे बिग बॉस का एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया और उसे आगे तक भी ले जाया गया। तो नहीं, दैट इज अबाउट द चॉइस ऑफ कंटेस्टेंट। वो भी तो अपने हाथ में, सपोज आई रन बिग बॉस, तो इस ओनली माय चॉइस में किसको डालता हूँ, या यू नो जो मेरा फेवरेट होगा मैं उसे डालूं या ना डालूं, इस माय चॉइस। आई फील फेवरेटिज्म तो होता ही है, पर इट्स अ डिफरेंट थिंग कि उसका विनर कौन होगा कौन नहीं होगा, ये भी कंपनी के ही हाथ में डिसाइड यस है यस आई फील। यस सर, यस सर। तो अच्छा, एक जो ऑडियंस का ना एक डाउट है सर, कि बिग बॉस अभी काफी स्क्रिप्टेड लग रहा है, कि जबरदस्ती मतलब झगड़ा कर रहा है लाइमलाइट में आने के लिए, तो आपको क्या लगता है स्क्रिप्टेड हो रहा है ये चीज जो लड़ाई हो रहा है? इट्स बीन 12 years, मैं वहां से आया हूँ बिग बॉस से, तो 12 साल में शायद कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही होगा, स्क्रिप्टेड होने लगा होगा, क्या पता, हु यस नोज प्रेजेंटली क्या हो रहा है। यस सर, यस सर, माई टाइम इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड, तब तो नॉर्मल ही था। यस सर, यस सर। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, अब तक का कौन सा आपका सीजन छोड़ के, अब तक का आपका कौन सा सीजन फेवरेट रहा है? उसमें आपको लगा है कि बहुत एंटरटेनिंग था वो? ओ, मनवीर गुजर वाला मेरे को अच्छा लगा, यस सर। और आपके और एक सीजन 6 भी था, सीजन 6 भी मुझे अच्छा लगा। यस सर, ओके। आपका अब तक का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है बिग बॉस का? यार फेवरेट अब तक का तो मैं खुद अपने को ही समझता हूँ, बाकी यस दूसरा फिर सर, मेरा फेवरेट है आशुतोष कौशिक। यस सर, यस सर। क्योंकि मतलब आप लोग ने तो पूरा मतलब रॉक कर दिया था बिग बॉस के घर में, आपका सीजन कैसे भूल सकते हैं? जैसा भी था यस यार, सर। तो तो ये ही है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो दिखा रहा है बिग बॉस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कि ऑडियंस भी यही आजकल यही देखना चाहती है, तो क्या लगता है ये सही है नेशनल टेलीविजन पे ये सब दिखाना नहीं अब्यूजिंग? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखना चाहता यार, किसी को वायलेंस पसंद नहीं है, किसी को भी ऐसी कुछ चीजें पसंद नहीं है, पर ये है कि इन चीजों के होने से ना एक नेगेटिव एंगल निकाल लिया जाता है और नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यस सर, ये सिर्फ प्रमोशन की बात है, पॉजिटिविटी को प्रमोट कौन करता है? यस सर, यस सर, तो ये कंसेप्ट सा बन गया है, जबकि इसका रियल लाइफ या नेचुरल लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। वो बात अलग है, सड़क पर अगर 2 लोग लड़ाई कर रहे होंगे 10 लोग देखेंगे जरूर, यस सर, दिस इज द नॉर्मल मेंटेलिटी। तो ये उसी को बस थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, और बाकी यार जेन्युइनली में कौन, वो कपिल शर्मा के शो में कौन लड़ाई करता है, उसे भी तो लोग देखते हैं, वहां तो यस सर, सब यस कॉमेडी सर, होती है। यस।
तो लड़ाई कोई नहीं देखना चाहता यार. आपको घर के अंदर जाने का चांस मिला और आपको कहा जाए कि कुछ कंटेस्टेंट को मतलब कुछ समझाना है आपके, मतलब आप जिसे चाहे उसे समझा सकते हैं, तो आप किसे समझाना चाहेंगे? मैं किसी को नहीं समझाऊंगा यार. एवरीबडी इज बॉर्न विद नॉर्मल प्रॉपर ब्रेन. किसी को समझाने का कोई मतलब नहीं है यार, और सब समझे समझाए आते हैं. जिसको समझाओगे उसकी नजरों में तुम खुद ही बुरे बन जाओगे. तो व्हाई टू डू दिस यार. जो जैसा कर रहा है अच्छा कर रहा है भैया. एंड ये बिग बॉस का एक नया ट्रेंड, पर मतलब गेम के अंदर तो झगड़े हो रहे हैं लेकिन घर के बाहर भी एक ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी फाइट चालू हो गए. तो क्या लगता है आपको इस बारे में, लोग लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है अब जब कोई भी कंटेस्टेंट जो भी अंदर जाता होगा वो अपनी एक टीम पीछे छोड़कर जाता है. तो वो लोग फॉलो करते हैं उसे. उनका काम ही ये है बिग बॉस देखना, अपने कंटेस्टेंट के बारे में अच्छा बुरा जैसा भी जो करना है वो करा. तो ये उन्हीं के लोग हैं, बाकी आम जनता को इतना समय नहीं होता यार कि वो बैठकर ट्वीट करे दूसरे के कि ये हुआ रात एपिसोड में. ये उन्हीं के ही लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं. काफी एक्टर्स भी इसका फायदा उठाते हुए नजर आया है. काफी एक्टर ने ओपिनियन, बहुत सारे लोग तो इसी चीज को करते हैं कि उन्होंने एक रात एपिसोड देखा और अगले दिन वो उसके बारे में बातें करेंगे और एक वीडियो क्लिप अपना डाल देंगे. तो ये पैटर्न बन गया है लोगों के हाथ में. आजकल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है और जो चाहे रिकॉर्ड करो पोस्ट करो यार. यस सर तो इट्स अ ग्रोइंग वर्ल्ड. लेकिन ये वर्ल्ड भी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव होते जा रहा है. पहले पॉजिटिविटी था, अब ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है. अभी मैं देखो अभी बता रहा था ना तुम्हें, सड़क पर दो लोग लड़ाई करेंगे तो 10 लोग खड़े होकर उन्हें जरूर देखेंगे. और लोगों को कभी कभी पसंद आता है बुरा देखना. नहीं, आजकल आपने नोटिस किया होगा जब दो जन लड़ते हैं तो ज्यादा वीडियो बनाने वाले वहां नजर आते हैं, छुड़वाने वाले बहुत कम होते. हाँ, वीडियो बनाने वाले भी ज्यादा होते हैं ना, छुड़ाने वाला तो कोई होता नहीं. तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी जो सीजन 14 है तो आपको तो आप इसमें से किसको मतलब सपोर्ट करना चाहेंगे? ऐसा आप एज अ फ्रेंड हो तो कुछ भी सपोर्ट करना चाहेंगे किसे? यार एज अ फ्रेंड या एज अ व्यूअर? एज अ व्यूअर ऐसा कुछ सेलेक्ट करूंगा सपोर्ट यार. As a viewer, क्योंकि मैं उसे पहले से कनेक्ट करता हूँ उससे. तो मैं जानता हूँ उसे पहले से, मैं उसे टीवी पर देखता आया हूँ. तो मुझे मेरी सपोर्ट उसकी तरफ ऑटोमेटिकली ही चली जाती है यार. Yes, और क्यों, और ऐसा कोई नया जांबाज खिलाड़ी आया नहीं कि उसने कुछ नया कर दिया हुआ सिवाय इसके के वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है और वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है. आपसे पर्सनली पूछना चाहेंगे कि आप बिग बॉस देखते हैं अभी? नहीं, मैं पता ना मैं नहीं पूरा नहीं देख पाता मैं, बट थ्रू कोई नेटवर्किंग साइट लोग रिव्यू वाले मास्टर लोग जो है उनका क्लिपिंग ये सब देख के थोड़ा बहुत आइडिया रहता है क्या हो रहा है. ओके तो कहीं मतलब अब टेक्नोलॉजी छोटी होती जा रही है भाई, लोग टीवी से हटके मोबाइल पे आ गए हैं. ओके ठीक है. तो आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में जानना चाहेंगे. आपके फैंस काफी इंतजार है आपको ऑन स्क्रीन देखने के लिए, तो कब आएंगे आप ऑन स्क्रीन? सिचुएशंस थोड़ी सी नॉर्मल और हो जाए जल्दी करूंगा यार कुछ ना कुछ. डोंट नो, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बोलो आराम से बैठे. जैसे ही समय आएगा सब पता चल जाएगा. प्रोसेस में है बहुत सारी चीजें, जल्दी भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा. सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस या व्यूअर्स को? लड़ाइयों को प्रमोट मत करो, प्रमोट द पॉजिटिव थिंग्स. यस सर, यही मैसेज है यार, बिहेव लाइक ह्यूमंस नॉट लाइक. यस ह्यूमैनिटी को प्रमोट करो. यस, नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा यार. व्हाट इज देयर नेगेटिविटी?